जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते ही हो, MIUI 12.5 हमारी इंडिया में लॉन्च होने के बाद, मतलब Redmi Note 10 सीरीज में दो डिवाइस को अपडेट मिलने के बाद, हमारे इंडियन यूजर हैं उनके तरफ से काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं कि Redmi Note 9, Note 9 Pro, Pro Max, Redmi Note 8, Note 8 Pro, Note 7, Note 7 S, Note 7 Pro, Poco X2, Poco X3, Poco M2, Poco M3, Poco M2 Pro, जितने भी सारे डिवाइस लिस्ट हैं, मतलब जो फर्स्ट सेकेंड बैच में आते हैं, उनके तरफ से काफ़ी ज़्यादा सवाल आने लगे कि MIUI 12.5 का अपडेट कब देखने को मिलेगा। और जबकि आप लोग जानते ही हो, Redmi Note 10, Note 10 Pro Max, मतलब इन दोनों डिवाइस को फाइनली MIUI 12 का सेकेंड अपडेट भी देखने को मिल चुका है। तो उसके बाद से यूजर का ये कहना है कि कब हमें अपडेट मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आप सबको यही इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले आइए बात करते हैं कि MIUI 12.5 का जो अपडेट है कब देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोग जानते ही हो, आज हो गया 29 मई, और अब जो है MIUI 12.5 का जो अपडेट है, अब इस समय के दौरान में किसी भी डिवाइस को देखने को नहीं मिलने वाला है। 29 मई मतलब मई ख़त्म होने तक आप सभी को, हो सकता है MIUI 12 का ही नेक्स्ट अपडेट हो सकता है डिवाइस में देखने को मिल जाए। हालांकि Xiaomi की तरफ से कई सारे स्मार्टफोन में नेक्स्ट अपडेट देखने को मिला है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि आप सभी को डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है दोस्तों। तो वहां से जाके सिंपली से पता कर सकते हो कि रिसेंटली में कौन कौन से डिवाइस को MIUI 12 का नेक्स्ट अपडेट देखने को मिला है। और साथ में दोस्तों Redmi Note 9 डिवाइस को Android 11 का ग्लोबल अपडेट MI पायलट टेस्टर को देखने को मिल चुका है, उसका भी रिकवरी रॉम वहां पर देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। पर आप जो बात करते हैं कि कब जो मिलेगा अपडेट, सवाल यही यहां पर आ रहा है कि कब मिलेगा अपडेट। तो दोस्तों सवाल ये है कि आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि MIUI 12.5 का जो अपडेट है, हो सकता है जून महीने के दौरान में किसी न किसी डिवाइस को अपडेट मिलेगा। हो सकता है पोको X2, पोको X3, पोको M2 Pro, इन सभी डिवाइस को जो अपडेट है वो आप सभी को देखने को मिल जाए जून महीने के दौरान में। अब देखते हैं कितना कंफर्म है Xiaomi की तरफ से कि जून महीने के दौरान में इन सभी डिवाइस को अपडेट मिल जाएगा, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस समय में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है कि अपडेट कब से रोल आउट किया जाएगा। हालांकि चाइना जैसे कंट्री में आप सभी को अपडेट यहां पर देखने को मिल रहा है सभी डिवाइस में, और ग्लोबल में भी कुछ डिवाइस को अपडेट जो मिला है, पर इंडिया में ही अपडेट जो है इतना डिले हो रहा है दोस्तों यहाँ पर। पर अभी भी बहुत सारे डिवाइस में टेस्टिंग चल रहा है, जो टेस्टिंग जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो दोस्तों मैं टेस्टिंग लिस्ट पर भी एक वीडियो लेकर आऊँगा कि कौन कौन से डिवाइस को टेस्टिंग के दौरान में अपडेट मिलेगा, तो उसके लिए आप लोग स्टे ट्यून रहना दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।